योगी कैबिनेट की बैठक आज उत्तर प्रदेश में उर्वरक बनाने वाली कंपनी और खुर्जा पॉल्ट्री उद्योग को वैट पर राहत दी जा सकती है इसमें, और इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है जिसे आज होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। प्रस्ताव में सभी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों द्वारा प्राकृतिक गैस खरीदने पर लगने वाले वैट दर में 6% तक की कटौती की जा सकती है। इससे पॉल्ट्री उत्पादकों के अलावा प्रदेश में उत्पादित उर्वरकों की कीमतों में भी कमी आ सकती है। और अधिक जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो हेड अखिल सिद्दीक जी हमारे जुड़े। अखिल जी, इस कैबिनेट की बैठक है जो योगी सरकार की, इसमें कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर मोहर लगने वाली है? देखिए, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भी बैठक चल रही है लोक भवन में, और इस बैठक में कई मुद्दे रखे गए हैं, कई प्रस्ताव हैं विभाग की तरफ से, उस पर प्रस्ताव पे अभी चर्चा चल रही है। इसके बाद देखा जाए तो मोहर लगेगी निश्चित तौर पर। लेकिन जो अहम बात है कि जो अहम प्रस्ताव जो रखे गए हैं वो यूपी में पीएनजी के वैट जो है वो दर कम करने के लिए रखे गए। पीएनजी पे लगने वाले जो 26% जो दर था उसे घटाकर 16% करने की तैयारी है। वैट की जब कमी आएगी तो सीएनजी लगभग 4 रुपए तक कम हो जाएगा। सरकार ऑर्गेनिक खाद की कीमतों को लेकर काम कर रही है, उसका प्रस्ताव रखा गया है। अगर वाकई इस पर मुख्यमंत्री मोहर लगाती है, उनकी कैबिनेट मोहर लगा देती है, तो सीएनजी में काफी गिरावट यहाँ टैक्स में आएगी। क्योंकि देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में भी काफी जो भी गाड़ियां हैं या जो भी कई उपकरण ऐसे हैं जो सीएनजी से चलते हैं, निश्चित तौर पर सरकार इस पर भी काम करना चाह रही थी। कई बार ये प्रस्ताव गया है, कई बार ये मुद्दे उठे थे, तो उसको लेकर अब कैबिनेट में रखा गया, इस पर चर्चा चली है। थोड़ी देर में इस पर फैसला होगा। इससे मोहर उम्मीद पूरी ये जताई जा रही है कि इसकी जो 26% जो टैक्स था उसे कम से कम 16% की जाएगी। तो एक अच्छी खबर रहेगी, सरकार इस पर एक अच्छा फैसला देने के लिए चर्चा कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।